सोलन में जिला प्रशासन द्वारा नशा विरोधी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से सैकड़ों विद्यार्थी आमंत्रित किए गए। इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये कार्यक्रम 11 बजे आरंभ होना था, लेकिन बच्चों को सुबह ही बुला लिया गया था और बच्चों को चिलचिलाती हुई धूप में सुबह ही बिठा दिया गया और ना उनके लिए पानी का प्रबंध किया गया, ना ही उनकी बिगड़ी हालत पर कोई गौर किया गया। बच्चे भूखे प्यासे घंटों तक मंत्री जी का इंतजार करते रहे, बाद में कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार करते रहे। गौरतलब है कि वीआईपी मंच पर छाया का पूर्ण प्रबंध था, लेकिन उनके पानी और खान पान का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इस मौके पर विद्यार्थियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें सुबह 9 बजे ही बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ उन्हें जानकारी दी गई जो बेहद ज्ञानवर्धक थी, लेकिन कार्यक्रम के दौरान बेहद गर्मी के कारण विद्यार्थियों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। हम सेंट मेरी स्कूल कन्ना घाट से आए हैं। हम यहाँ पे 10:30 पहुँच गए थे। धूप तो बहुत है, लेकिन जब यहाँ से सीएम प्रस्थान करेंगे तो उसके बाद हमें रिफ्रेशमेंट मिलेगी, पानी वगैरह मिला है। तो यहाँ बहुत अधिक बच्चों की तादाद होने के कारण यहाँ बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। किस तरह की दिक्कत है? थोड़ी धूप अधिक हो रही है, धूप अधिक होने के कारण बच्चों को गर्मी अधिक लग रही है। सुबह यहाँ 10:30 हम लोग पहुँच गए थे और जैसा कि यहाँ पे आज हमारे सीएम आए हैं तो ड्रग्स एडिक्शन के बारे में हमें यहाँ बताएंगे, इसे कैसे छूटना है, इसे कैसे निवारण के लिए हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो हम सुबह 10:30 यहाँ सभी पहुँच गए थे स्कूल से और सुबह से यहाँ बैठे हैं। नहीं सर, पानी तो किसी ने भी नहीं पूछा, बस खुद ही नलके से पानी ले रहे थे बॉटल से भर के उधर से।